आप सभी को मेरा नमस्कार। इस भाग में मैं आप लोगों को पदार्थ के गुण के बारे में बताऊंगा। इससे पहले एक वीडियो में आप लोगों को पदार्थ की अवस्था के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि पदार्थ जो है तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इस भाग में पदार्थ के गुण के बारे में बताऊंगा, अर्थात पदार्थ और कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जल में विलेयता। तो विलेयता के आधार पर हम लोग पदार्थ को दो भाग में विभाजित कर दिए हैं, पहला विलेय और दूसरा अविलेय। तो देखिए, पहला विलेय दिख रहा है और दूसरा अविलेय दिख रहा है। तो चलते हैं कि विलेय किसे कहते हैं। विलेय देखते हैं, ऐसे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर पूर्ण रूप से घुल जाता है उसे विलेय कहते हैं। अर्थात जैसे नमक है, देख लीजिए, यहाँ पर नमक दिख रहा है आपको। तो नमक को हम पानी में डालते हैं, तो पानी में डालने के बाद देखिए वो पूरा पूर्ण रूप से क्या हो जा रहा है, वो मिश्रित हो जा रहा है, घुल जा रहा है, उसका कोई भी कण हमको दिखाई नहीं देगा। अर्थात ऐसे पदार्थ जो पूर्ण रूप से घुल जाए उसको हम लोग विलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे नमक और शक्कर, नमक और शक्कर को हम लोग पानी में जैसे डालते हैं, तो पानी में डालने के बाद उसको हिला देते हैं, थोड़ी देर के लिए घुमा देते हैं, तो वो पूर्ण रूप से विलेय हो जाता है। अर्थात ये पूर्ण रूप से विलेय है ना, तो विलेय घुलनशील हो जाता है, वो पूर्ण रूप से घुल जाता है। तो जो घुल जाता है उसको हम लोग विलेय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण में आपको दिख रहा है, यहाँ पर शक्कर हम लोग डाल रहे हैं, शक्कर जो है पानी में जाके पूरा घुल जा रहा है ना। अगला देखते हैं अविलेय पदार्थ। अविलेय अर्थात जो घुले ना, अघुलनशील रहे, जिसको पूर्ण रूप से विलयन ना किया जा सके। तो ऐसे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर पूर्ण रूप से ना घुले, अविलेय रह जाए, या जो नीचे जाके बैठ जाए तली में, कुछ देर के लिए तो घुल जाए परंतु फिर से नीचे में जाके वो क्या हो जाता है, बैठ जाता है। जैसे देखिए चित्र में आपको दिख रहा है, ये पानी में मिट्टी दिख रहा है या रेत दिख रहा है, ये देखिए रेत और चौक है ना। रेत को मान लो पानी में हम घोलते हैं, तो घोलने के बाद क्या होता है कि धीरे 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 वो तली में जाके बैठ जाता है, अर्थात पूर्ण रूप से वो घुल नहीं पाता। या हम लोग चौक को घोलते हैं, चौक को जैसे घोल दिए तो कुछ देर के लिए पानी क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है, दूधिया होने के बाद छोड़ देते हैं बाद में, तो उसका जो चौक होता है वो धीरे धीरे नीचे जाके बैठ जाता है, इस तली में जाके नीचे में जाके बैठ जाता है, पानी फिर से हमारा पारदर्शी हो जाता है, अर्थात उसमें अविलेय हो गया, वो घुलनशील नहीं हो पाया वो। तो ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर पूर्ण रूप से नहीं घुल पाते उसको हम लोग बोलते हैं अविलेय पदार्थ, जैसे रेत, चौक। उसके बाद देखते हैं चुंबक के प्रति व्यवहार। पदार्थ के चुंबक के प्रति व्यवहार के आधार पर हम उसको दो भाग में विभाजित कर दें, पहला चुंबकीय और दूसरा अचुंबकीय। तो चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं, है ना। आकर्षित होते हैं मतलब उसकी ओर खींच जाते हैं, जैसे चुंबक के आसपास जाते हैं वो लोग अपने स्वतः उसकी तरफ क्या हो जाते हैं, खींच जाते हैं। तो उसमें होता है आपका लोहा, निकिल और कोबाल्ट। ये लोहा, निकिल और कोबाल्ट से बने हुए पदार्थ चुंबक के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उसकी तरफ खींच जाते हैं। इसी गुण का उपयोग करके इसको चुंबक बनाने में भी उपयोग किया जाता है, अस्थायी चुंबक निर्माण में किया जाता है, लोहा का उपयोग किया जाता है उसके लिए। ठीक है, अगला है अनु अचुंबकीय। ऐसे पदार्थ जो चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होते, अर्थात ये पदार्थ चुंबक के प्रति कोई क्रिया प्रदर्शित नहीं करते, वो उदासीन रहते हैं। तो जैसे उसमें देखिए लकड़ी है, प्लास्टिक है, कागज़ है, कपड़ा है, ये सब अचुंबकीय पदार्थ होते हैं। इनका चुंबक के प्रति कोई किस प्रकार का विक्षेप उत्पन्न नहीं होता या किसी प्रकार का आकर्षण उत्पन्न नहीं होता। जैसे इसमें देखिए आपको दिख रहा है पाइप, तो ये पाइप जो होता है चुंबक के आसपास से जाओगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लकड़ी, लकड़ी में भी किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं होता चुंबक के प्रति, तो ये अचुंबकीय पदार्थ होते हैं, इन्हें हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अगला देखते हैं पारदर्शिता। पारदर्शिता मतलब आर पार देखना। तो उसके आधार पर हम लोग दो दो भाग में विभाजित कर दिए, पहला पारदर्शी और दूसरा अपारदर्शी। तो पहला देखते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके आर पार स्पष्ट देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं। मतलब जहाँ पे खड़े हैं, यदि यहाँ पे कांच का एक गुटखा रख दिया जाए तो उसके उस पार हम कोई खड़ा व्यक्ति हमको आसानी से स्पष्ट रूप से हम उसको देख सकते हैं। तो कांच के गुटखा जो होता है पारदर्शी होता है। तो ऐसे वस्तु जिसको हम लोग आर पार स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो वो पारदर्शी कहलाता है, जैसे कांच हो गया, शुद्ध पानी, तो ये पारदर्शी वस्तु के हैं जिसको हम लोग आर पार आसानी से देख सकते हैं। अगला है अपारदर्शी। ऐसे पदार्थ जिनके आर पार स्पष्ट नहीं देख सकते उसको हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी में आपका दीवार, दीवार के आर पार हम लोग देख नहीं सकते तो वो अपारदर्शी, प्रकाश जो है उस पार नहीं जा पाती तो वो अपारदर्शी कहलाता है। इसके अलावा एक और होता है जिसमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता, उसको बोलते हैं पारभासी। ठीक है, ऊष्मा चालकता। ऊष्मा के चालन के आधार पर हम उसको दो भाग में बांटते हैं, एक होता है सुचालक और दूसरा होता है कुचालक। तो सुचालक ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का प्रवाह आसानी से करते हैं, अर्थात एक सिरे को गर्म कर दिया जाता है तो दूसरा सिरा भी आसानी से गर्म हो जाता है। जैसे आपका लोहा, सोना, चांदी, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है बर्तन दिख रहा है, कढ़ाई दिख रहा है ना, तो कढ़ाई का हम लोग नीचे भाग को गर्म करते हैं, तो नीचे भाग गर्म कर देते हैं तो ऊपर भाग भी आसानी से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इसी गुण का उपयोग करके हम लोग उसका बर्तन बनाने में काम उपयोग करते हैं और खाना बनाने में
उपयोग किया जाता है, लोहा से सोना, चांदी, तांबा, है ना। तो इसका उपयोग, ये एकदम सुचालक वस्तु होते हैं। सुचालक अर्थात ऊष्मा का तीव्रता से चालन करते हैं। एक सिरा को आप गर्म करो, तो जब मान लीजिए मैं यहाँ पर गर्म करता हूँ, तो ये सिरा भी आसानी से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको सुचालक बोलते हैं। दूसरा है कुचालक, अर्थात ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा के प्रवाह को रोक देते हैं। अर्थात एक सिरा गर्म करो तो दूसरा सिरा गर्म नहीं होता, ठंडा ही रहता है वो। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा का कुचालक। वो ऊष्मा के प्रवाह को रोक देते हैं। तो उदाहरण में देखिए, वायु, लकड़ी, कागज़ और बेकेलाइट। ये बेकेलाइट क्या चीज़ है? बेकेलाइट ये देखिए, जो प्रेशर कुकर के जो पीछे तरफ जो और सामने तरफ जो लगा होता है काले रंग का, वो बेकेलाइट होता है। वो ऊष्मा का कुचालक होता है। इसको इसलिए लगाया जाता है ताकि आपका हाथ जलने से बच जाए। और ये भाग तो सुचालक है, इसके नीचे भाग को गर्म करोगे तो ऊपर भाग सब गर्म हो जाता है। तो आपको पकड़ने में आसानी हो करके बेकेलाइट लगाया जाता है। और बेकेलाइट जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है, ये गर्म नहीं होता। विद्युत चालकता, विद्युत चालकता के आधार पर पदार्थ को हम लोग दो भाग विभाजित कर दिए। एक होता है विद्युत सुचालक और दूसरा विद्युत कुचालक। तो विद्युत सुचालक देखते हैं, ऐसे पदार्थ जो विद्युत को आसानी से संचरण करते हैं, जिसको छूने से उनको करंट लग जाता है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं विद्युत सुचालक। अर्थात इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह को आसानी से होने देता है, वो विद्युत सुचालक पदार्थ होता है। जैसे देखिए यहाँ पे तार दिख रहा है आपको, तो ये तार में जो छिला हुआ भाग है, ये वाला भाग है ना, ये विद्युत का सुचालक होता है। इसके ऊपर प्लास्टिक इसलिए लगाया जाता है ताकि हमको करंट ना लगे, हम सुरक्षित रहें। तो विद्युत सुचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आसानी से विद्युत का संचरण करने देते हैं, तथा जिसको छूने से हमको करंट लग जाता है। जैसे तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, लोहा है, ये सब ग्रेफाइट, ये सब विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत कुचालक ऐसे पदार्थ जो विद्युत का आसानी से संचरण नहीं होने देते, उनको विद्युत का कुचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, सूखा लकड़ी, चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया जाता है। चीनी मिट्टी ये इलेक्ट्रिक विभाग, बिजली विभाग वाले द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत का कुचालक होता है, ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोक देते हैं, विद्युत का आसानी से संचरण नहीं होने देते, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। विसरण, किसी ठोस, द्रव अथवा गैस का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना, या अणुओं का समान रूप से फैल जाना विसरण कहलाता है। जैसे ये यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहे हैं नीले नीले रंग के अणु की संख्या कम है और लाल रंग के अणुओं की संख्या अधिक है। तो नीले रंग के जो अणु हैं वो किधर जा रहे हैं? इस तरफ जा रहे हैं, लाल रंग के अणुओं की तरफ गति कर रहे हैं। अर्थात कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति कर रहे हैं। तो अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना, यह समान रूप से फैल जाना। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है। ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता लिखा है, ये गलत है। ये क्या है? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता होगा। ठीक है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, कम सांद्रता है, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति कर रहे हैं। जैसे अगरबत्ती सुगंध का फैल जाना, किसी बदबू का फैल जाना, अगरबत्ती सुगंध कम सांद्रता रहता है, वो धीरे से जलाते, जहाँ पर जलाते हैं वहीं पर स्थिर नहीं रहता, वो आसपास के पूरे वातावरण में फैल जाता है। तो विसरण का मतलब होता है कि किसी भी गंध का फैल जाना या अणुओं का फैल जाना, जहाँ पर उसकी सांद्रता कम है, उस सांद्रता कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर फैल जाना विसरण कहलाता है। ठीक है, तो इसके साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।